इंसान का जीवन और एहसास, खुशियां, दुख और सुख सब इंसान के कर्मों का फल होता है। पर इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि जीवन की कठिनाइयों, मुश्किलों और सफलता, प्रसन्नता के पीछे कुछ ना कुछ हमारे ग्रहों और नक्षत्रों का भी योग होता है। क्या है नक्षत्रों का विज्ञान, क्या है हवन का रहस्य और वास्तु का ज्ञान कितना जरूरी है, हम चर्चा करेंगे आज के न्यूज की इस विशेष प्रस्तुति एस्ट्रो महर्षि में। और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर और वास्तुकार श्री अरुण महर्षि जी। अरुण जी, स्वागत है आपका के न्यूज में। जय बद्री विशाल। महर्षि जी, नक्षत्र तो कई प्रकार के होते हैं, आज आपसे जानेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति किस तरह के होते हैं। आज हम बताएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। जी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लिए जातक के नाम दु, थ, झ, जय अक्षर से शुरू होते हैं। इनकी राशि मीन राशि है, बृहस्पति होता है और नक्षत्र स्वामी शनि होता है। व्यक्ति अपने जीवन का आरंभ शनि की महादशा में करता है। महर्षि जी, इस नक्षत्र यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों के स्वभाव किस प्रकार के होते हैं, क्या प्रत्येक नक्षत्र का इस पर कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, आज का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद में जो जातक पैदा होता है, यदि वो पुरुष है तो वो भाग्यशाली, चतुर, उदारचित, प्रसन्न, धनी एवं विद्या प्रेमी होते हैं। वो जातक मित्रवान होता है, वाक्पटु, शत्रुहंता होता है, धैर्यवान होता है एवं स्त्री के सहयोग से धन पाने वाला होता है। जी, अस्थिर विचारों के पुरुष है ये। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक अस्थिर विचारों के होते हैं। ऐसे जातक अपने व्यवहार एवं मृदुभाषी होने के कारण अनेक मित्र बना लेते हैं। स्वभाव से बड़े लोकप्रिय होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, कामुक, धनी, एकांत प्रिय होते हैं, स्त्री के वश में रहने वाले होते हैं, कला प्रेमी, कपड़ों के शौकीन, संगीत प्रेमी होते हैं, अच्छे कार्यों को करने में उत्सुक रहते हैं, सुशील होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, दुर्बल शरीर, रक्त विकार से ग्रस्त एवं अनेक चिंता से परेशान रहते हैं। निम्न स्तर के लोगों के सहयोग से धन कमाते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाली यदि स्त्री है तो वो पतिव्रता, पुत्रवान, सुखी, धन धान से युक्त, वाक्पुट, लोकप्रिय एवं समाज में प्रतिष्ठित स्त्री होती है। धार्मिक विचारों वाली होती है, श्रमशील एवं बड़े बूढ़ों की सेवा करने में तत्पर रहती है। जी, दूसरों के काम आने वाली होती है, विदुषी होती है एवं धैर्यशील होती है। महर्षि जी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होते हैं उनको क्या कार्य और व्यवसाय अपनाना चाहिए? देखिए, जो जातक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के किसी भी चरण में जन्म लेता है उसकी राशि मीन राशि का स्वामी गुरु और नक्षत्र स्वामी शनि होता है। जैसा मैंने पहले बताया, इस नक्षत्र में जन्म हुआ व्यक्ति चिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ, बंदरगाह के ऊपर काम करने वाला, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाला, धर्मार्थ चिकित्सालय चलाने वाला, कानून का विशेषज्ञ, बीमा एंड गुप्तचर सेवा में काम करने वाला, शिक्षा विभाग, टूरिज्म, शिपिंग, फाउंड्री, नदी नहर बांध संबंधी कार्य करने वाला, इंजीनियर, जेलर, जेल निरीक्षक, धर्मार्थ संस्थाओं का अध्यक्ष एवं पाखंडी होता है, और पागलखाना, सेना, सोसाइटी, क्लब, छतरी, रेनकोट व नाव से संबंधित ये व्यापार अपना सकते हैं। नौकायन करके तेल का व्यवसाय, मत्स्य पालन और राजनयिक और उत्खनन संबंधी कार्यों को करके सफलता हासिल और जीवन यापन कर सकते हैं। जी महर्षि जी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं वो लोग किस किन रोगों से ग्रसित हो सकते हैं? देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म वाले व्यक्तियों को निम्न रोग हो सकते हैं। दांतों के रोग हो सकते हैं, वात रोग हो सकता है, अतिसार हो सकता है, सिर व बदन दर्द के इनको पीड़ा हो सकती है, उदर वायु के रोग से पीड़ित रहते हैं, इनको फ्रैक्चर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टीबी, जलोदर, कब्ज का इनको प्रॉब्लम होता है, गठिया रोग से ये ग्रसित हो सकते हैं, अपच की हमेशा इनको प्रॉब्लम रहती है और इनका निर्बल पाचन तंत्र होता है। जी, ये इन लोगों में जो जातक इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनको इन रोगों की प्रॉब्लम रहती है। जी
महर्षि जी आपसे जानेंगे कि जो लोग इस नक्षत्र में पैदा होते हैं और इन रोगों से ग्रसित होते हैं, अपने रोगों के उपाय आपसे जानेंगे कि किन किन उपायों के द्वारा ये अपने रोग से निवारण पा सकते हैं। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लिए एक उपाय बता रहा हूं। जो व्यक्ति जिनका जन्म उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के किसी भी चरण में हुआ है, उनको पीपल की जड़, उसको काले धागे में बांध करके अपने दाहिने हाथ में रखना चाहिए। यदि इस जड़ को, पीपल की जड़ को इस नक्षत्र के मंत्र के साथ हवन से अवमंत्रित किया जाए और उसको दाहिने हाथ में बांधा जाए तो उनको इन रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है, उनको मिल सकती है और उनको सारी समस्याओं से निदान मिल सकता है। जी, मैंने हमेशा से जीवन की सभी समस्याओं के निदान के लिए सभी व्यक्तियों को हाथ प्रेरित किया है। जी महर्षि जी, आपसे जानेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी कौन है, इसका विवरण आपसे लेंगे। जैसा आपने मेरे से पूछा इस नक्षत्र के स्वामी के बारे में, मैंने हमेशा व्यक्ति के जन्म से ही उस पर होने वाले नक्षत्र के प्रभाव के बारे में बताया है। मैंने हमेशा यह भी कहा है कि व्यक्ति के जीवन पर नक्षत्र स्वामी का विशेष प्रभाव होता है, इसलिए मैं आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी का ज्योतिष में महत्व एवं व्यक्ति के जीवन पर नक्षत्र स्वामी के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। संक्षिप्त में इसलिए क्योंकि ग्रहों के बारे में इतनी कथाएं हैं, इतना विवरण है कि अगर उसके बारे में बात की जाए तो समय और मेरे शब्द दोनों ही कम पड़ जाएंगे। उत्तराभाद्रपद का नक्षत्र का स्वामी शनि है। मैं आज आपको शनि ग्रह के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। शनि ग्रह को संस्कृत में शनिश्चर, मंद, असीत, नील, छायासुत, सूर्यपुत्र, भानुज, यम, आकी, कोण आदि कहा जाता है। अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसे सैटर्न कहते हैं। उर्दू, फारसी और अरबी में इसे जुदूल, केदवान, जूहुल कहा जाता है। इसके बारे में कथा है, सूर्य की द्वितीय पत्नी छाया के गर्भ से शनि का जन्म हुआ था। पौराणिक मता के अनुसार आकाशमंडल में बृहस्पति से 2 लाख युजन की दूरी पर शनि की स्थिति है। यह एक राशि पर भ्रमण करने में लगभग 30 माह का समय लेता है तथा 30 वर्षों में संपूर्ण राशि चक्र का भ्रमण पूरा करता है। इसे आकाशमंडल का सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। इसके चारों ओर वल्य कंकड़ जैसे चौड़े और गोल चक्र होते हैं। शनि अपने इन वल्यों के साथ ही आकाशमंडल में भ्रमण करता रहता है। शनि को कालपुरुष का दुख भी माना गया है। ग्रह मंडल में इसे सेवक का पद प्राप्त है। प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में शनि को भयभीत करने वाला ग्रह माना गया है और इसको क्रूर ग्रह माना गया है। शनि ग्रह प्रकृति से रहस्यमय, बंधन मुक्त, अचल माना जाता है। इसका काला गहरा नीला रंग और गहरा भूरा रंग है। शनि को शुक्र का, किंतु चंद्र और मंगल का शत्रु माना जाता है। शनि की दशा किसी भी जातक पर 2.5 साल या 7.5 साल की होती है। कमजोर शनि लंबी और तकलीफदेह बीमारियां जैसे कैंसर, त्वचा रोग, लकवा, गठिया, नपुंसकता आदि का कारण बन सकता है। शनि के प्रतिकूल दशा में जातक के निचले भाग व हड्डियों को नुकसान पहुंचता है। शनि को न्याय का देवता माने जाने के कारण यह जातक के कर्मों को उसके कर्मों के हिसाब से ही उसको अपना फल देता है। इनको इनके किए गए परिश्रम का पूर्ण लाभ कभी नहीं मिलता। प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी नुकसान की पूर्ण संभावना रहती है। माता पिता, जीवन साथी व बच्चों से अच्छे रिश्ते नहीं रहते हैं। सामान्यतः यह दिन में सोते हैं तथा रात में काम करते हैं। शनि हवन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए किया जा सकता है, जिससे शनि की सारी प्रॉब्लमों से मुक्ति मिल सके। जो भी समस्याएं व्यक्ति फेस करते हैं शनि स्वामी होने के कारण। बिल्कुल, शनि दोष हवन दूर करने से, इस हवन को करवाने से सभी प्रकार की मानसिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है एवं शनि की स्थिति सुधरती जाती है। एस्ट्रो महर्षि में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अभी तक महर्षि जी ने हमें बताया उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के बारे में, उसके स्वामी के बारे में और साथ ही इस नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में भी। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ, जल्द लौटेंगे और बात करेंगे हवन के बारे में। क्या आप वैवाहिक जीवन से दुखी हैं? क्यों नहीं चलता कारोबार? क्या आप रोगों से पीड़ित रहते हैं?
क्यों होते हैं वैवाहिक जीवन में क्लेश? क्या आप अपने बच्चों की एजुकेशन से हैं परेशान? क्या आपकी नौकरी में आ रही है रुकावट? या फिर आपको किसी वास्तु दोष से है परेशानी? तो मत हो निराश, संपर्क करें श्री अरुण महर्षि से एंड अल्टीमेट मेडिकल फाउंडेशन ट्रस्ट में, जो करेंगे आपकी समस्या का समाधान, हवन द्वारा समाधान। हमारा पता है S398 बेसमेंट ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 न्यू दिल्ली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एस्ट्रो महर्षि में, और हमारे साथ हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर और वास्तुकार महर्षि अरुण जी। महर्षि जी, अभी तक आपने बताया शनि बाधक निवारण हवन के बारे में, आपसे जानेंगे हवन क्या है और इसके लाभ क्या है। जैसा कि मेरे से प्रश्न किया गया, हवन क्या है? हवन का मूल शब्द हा है, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ महट होता है। अनंत काल से ही हवन को आने वाले खतरों, व्यक्तिगत सफलता और भाग्योदय के लिए किया जाता है। प्राचीन ग्रंथ इस बात का विवरण देते हैं कि हवन की उत्पत्ति भगवान श्री ब्रह्मा द्वारा मनुष्य की भलाई और इच्छा पूर्ति के लिए की गई थी। हवन हमारे द्वारा इस जन्म पुनर्जन्म में की गई गलतियों के निराकरण का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। जातक द्वारा करवाया गया हवन उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर जातक को मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य और सारे भौतिक सुख प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जन्म से ही उस पर 3 ऋण होते हैं, पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण। उपरोक्त 3 ऋणों से मुक्ति के लिए गीता में हवन को ही सबसे कारगर धार्मिक अनुष्ठान बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण हवन की महत्वता बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति नित्य प्रति हवन नहीं करता है उसे आज के भौतिक सुखों का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार विष्णु पुराण ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक सुख, आत्मिक शांति एवं पारिवारिक सुख इत्यादि चाहता है तो हवन द्वारा प्रभु के आह्वान से बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा अपनी शक्ति, साम्राज्य एवं प्राकृतिक आपदाओं के निदान के लिए यज्ञ किया करते थे। राजा जनक द्वारा करवाए गए हवन से उनके राज्य में अकाल की स्थिति को बदलकर वर्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी प्रकार भगवान श्री राम के जन्म से पहले उनके पिता राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु भी हवन करवाया था। भगवान श्री राम का भी अपने पुत्रों से प्रथम मिलन अश्वमेध यज्ञ के दौरान हुआ था। वर्तमान में भी हवन को इच्छा पूर्ति, संतान प्राप्ति, भौतिक सुख, कोर्ट केस पर विजय आदि इन समाधानों के लिए कारगर उपाय माना जाता है। जब हम हवन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको हवन में अग्नि और नियमितता के महत्व के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों का पुतला है। कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर अग्नि 2 प्रकार से विद्यमान होती है। पहली है जठराग्नि, जिसको डाइजेस्टिव फायर इन बॉडी कहा जाता है, एवं दूसरी है भूताग्नि, जिसको इंटरनल स्पिरिचुअल फायर इन बॉडी कहा जाता है। ज्यादातर मनुष्यों में जठराग्नि का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और भूताग्नि का प्रभाव बहुत कम होता है। इसलिए हवन की अग्नि के द्वारा देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। वैदिक काल से ही अग्नि को देवताओं का प्रमुख माना गया है। ऋग्वेद का प्रभु भी अग्नि को समर्पित है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हवन में नियमितता अथवा रोजाना हवन की कितनी आवश्यकता है, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि ढेर सारे पकवानों से भरी हुई खाने की थाली व्यक्ति के सामने रख दी जाए तब भी उसका पेट सिर्फ एक बार ही भरता है और अगले ही पहर उसे फिर भूख का एहसास होने लगता है। इसी प्रकार कभी कभार किया गया हवन जातक को पूर्ण रूप से अलौकिक और भौतिक सुख नहीं देते हैं। दैनिक दिनचर्या में हमारे द्वारा अनगिनत गलतियां एवं पाप और जीवाणुओं का नाश होता रहता है। इन्हीं गलतियों की क्षमा याचना हेतु हवन के महत्व को बताया गया है।
दैनिक हवन न केवल क्षमा याचना अपितु जातक के जीवन भर के भौतिक आध्यात्मिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति का स्रोत है। महर्षि जी, आपने जिस प्रकार से हवन की व्याख्या की उससे हमारे दर्शक इसके महत्व के बारे में जरूर जान चुके होंगे। तो दर्शकों, अपनी समस्या के निदान के लिए आप हवन कराएं, जिसके लिए आपको महर्षि जी से पूछें कि आपकी समस्या का समाधान किस प्रकार का होगा, जिसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। महर्षि जी आगे बढ़ेंगे और आपसे जानेंगे ज्योतिष और हवन के बीच के संबंध के बारे में। देखिए, ज्योतिष और हवन में क्या संबंध है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्राचीन काल से ही वैदिक हवन को सबसे शक्तिशाली और कारगर ज्योतिष उपाय माना गया है। जैसे कोई दवाई किसी बीमारी के लिए काम करती है, उसी प्रकार किसी भी पारंगत विद्वान के द्वारा किया गया विधिवत हवन, विधि विधान से किया गया हवन जातक के समस्या निदान में आश्चर्यचकित परिणाम देता है। आपने देखा होगा कि जब भी मनुष्य किसी समस्या या संकट में होता है, तब वो किसी न किसी देवी शक्ति को अपनी मदद के लिए पुकारता है, मंदिर मस्जिद जाता है। अब आप मुझे बताएं कि क्या हवन से बेहतर कोई उपाय हो सकता है? हवन से हमें अपने आराध्य का आह्वान कर सकते हैं। मेरा अपना पिछले 30 साल का अनुभव कहता है कि हम अपने परम पिता परमेश्वर का हवन द्वारा आह्वान कर अपनी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। हवन के महत्व को मैं और मेरा अनुभव ही नहीं, बल्कि ऋषि मुनि भी युगों युगों से बताते चले आ रहे हैं। हवन से रोगों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। हवन को हमेशा से अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति, सुख संपदा की प्राप्ति भी हवन से की जा सकती है। हवन से सारे समस्याओं का निदान आप हवन से कर सकते हैं। स्वागत है आपका एस्ट्रो महर्षि में और हमारे साथ है विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर और वास्तुकार महर्षि अरुण जी। अरुण जी, आपसे जानेंगे कि भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हवन कितना लाभकारी है? विधि विधान से किया गया हवन व्यक्ति को न सिर्फ भौतिक सुख देता है अपितु आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। हवन द्वारा भगवान के आह्वान से जातक को किसी भी प्रकार की भौतिक कमी जीवन भर नहीं हो सकती। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा अपनी इच्छा पूर्ति हेतु यज्ञ किया करते थे। उदाहरण के तौर पर लक्ष्मी कुबेर हवन जातक को धन धान्य और संपदा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। महर्षि जी, एन अल्टीमेट मिरेकल हवन क्या है, इसके बारे में आपसे जानेंगे और साथ ही ये कितना लाभदायक है? देखिए, हमने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, एन अल्टीमेट मिरेकल फाउंडेशन ट्रस्ट। इसमें जो भी व्यक्ति हमसे अपनी समस्या के लिए संपर्क करता है, हम उसकी जन्मपत्री का विस्तृत अध्ययन करके, उसके नक्षत्रों का विस्तृत अध्ययन करके, उसको हम उपाय स्वरूप हवन का हवन बताते हैं। यह हवन उसके लिए कितना जरूरी है, ये उसकी महत्व कितनी जरूरी है, ये सब बताते हैं। यह हवन हमारी कर्मस्थली महावन गोकुल मथुरा पावन नगरी में हमने यज्ञशाला बनाई हुई है, वहाँ किया जाता है। हवन के प्रारंभ से पहले हमारे विद्वान पंडितों द्वारा उस व्यक्ति का और उसके परिवार का संकल्प लिया जाता है। संकल्प एक प्रकार की शपथ है जो हमारे विद्वान पंडितों द्वारा आपके लिए भगवान को समर्पित की जाती है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जाता है कि हवन किसके नाम से और किस कारण से किया जा रहा है। हमारी संस्था के द्वारा किया गया हर हवन जातक के जीवन से नकारात्मकता को हटाकर एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही हमारी संस्था के द्वारा किया गया हवन व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में और उसकी समस्याओं में निदान में बड़ा योगदान प्रदान करता है। जी, और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं महर्षि जी से। कॉन्टेक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। महर्षि जी आगे बढ़ेंगे और अब आपसे जानेंगे कि और कौन कौन से हवन करवाए जाते हैं आपके इस ट्रस्ट के द्वारा, एन अल्टीमेट मिरेकल फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा। देखिए, एन अल्टीमेट मिरेकल फाउंडेशन ट्रस्ट हमारी संस्था जन सेवार्थ नवग्रह शांति हवन, ग्रह शांति हवन, महामृत्युंजय हवन, धनवंतरी हवन, दुर्गा हवन, चंडी हवन, गणपति हवन, लक्ष्मी कुबेर हवन, वास्तु दोषों के लिए वास्तु हवन जी। और पितृण, देवऋण और ऋषिऋण हवन, ये सब हमारी संस्था के द्वारा वहां से कराए जाते हैं। जी महर्षि जी, अब जान लेते हैं आपसे आज का सक्सेस मंत्र और आज का वास्तु टिप। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको आज का सक्सेस मंत्र दे रहा हूं। यदि आपको कहीं रास्ते में जाते हुए आपको मोर नाचता हुआ दिखाई दे जाए,
तो आप उस स्थान की मिट्टी उठाकर जेब अथवा पर्स में रख लें और फिर घर आकर उस मिट्टी को धूप दिए दिखाकर किसी भी चांदी के ताबीज में अथवा लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर उसे धन रखने के स्थान पर रख दें तो कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दूसरा, प्रिय दर्शकों, जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही है या रुकावट आ रही है तो गुरुवार को गाय को भोग अर्थात दो आटे के पेड़े पर थोड़ी हल्दी लगाकर थोड़ा गुड़ और चने की गीली दाल का भोग लगाना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है, जो इस उपाय को करेगा उसके विवाह में जो रुकावट है वो दूर होगी। जी महर्षि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके न्यूज में आए और दर्शकों को तमाम जानकारियां दी। जय बद्री विशाल।